अंशु गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। आज मुख्यमंत्री कोविड-19 को लेकर के किस तरीके से लगातार कोविड-19 को लेकर शिकायतें आती रही हैं, आज क्या उन्होंने दिशा निर्देश दिया, क्या बातचीत हुई? उनका अभी भी यह था कि क्योंकि BHU एक विशेष संस्थान रहा है और हम एक विशेष चिकित्सा सुविधा या और इस क्षेत्र को देते रहे हैं, तो हम अभी भी क्योंकि सारी पब्लिक अभी भी आज की तारीख में भी इसी संस्थान की तरफ देख रही है इन सुविधाओं के लिए, तो हम अगर लोगों को कमी पड़ रही है उन सुविधाओं की विभिन्न जगहों पर, जब वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो BHU ही एक ऐसा संस्थान है जो कि उन सुविधाओं को और बढ़ा सकेगा और दे सकेगा। तो हम जितना सुविधा दे सकें, हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक उस चीज़ को ले जा सकें और वो सुविधाएं जो कि मरीजों को दूसरी जगहों पर कहीं भी नहीं मिल पा रही और हम दें और हम उसमें बढ़ोतरी करें। सर, क्या आप कुछ बातें हुई, कुछ नए दिशा निर्देश या कुछ नए सुझावों के साथ आप लोगों को? एक यही है कि हम विभिन्न संस्थानों को, बनारस में भी विभिन्न संस्थानों को प्रशिक्षित करें और क्योंकि उस तरह की सुविधाएँ जो हमारे हम दे पा रहे हैं वो दूसरी जगह नहीं है। Level 3 की सुविधा पूरे क्षेत्र भर में कहीं और नहीं है, तो हम उनको भी ये सुविधाएं दें, उनको प्रशिक्षित भी करें, दूसरे शहरों को लोगों को भी प्रशिक्षित करें और अपनी सुविधाओं को और जितना बढ़ा सकते हों उसमें बढ़ाएं। और हमारे पास होने वाला है कुछ नया, कोई डिसीजन लिया गया है? ऐसा कोई डिसीजन का नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि हम क्रिटिकल केयर की सुविधाओं को अपना जितनी बढ़ोतरी कर सकेंगे हम उसमें ज़रूर बढ़ोतरी करेंगे ताकि मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले और मरीज़ जिस तरह से अभी भी केवल BHU के नाम पे और पूरे प्रशासन भी और दूसरे लोग भी चाहते हैं कि BHU ही इसमें लीड करें और हम और ज़्यादा लीड करें। अभी भी हम BHU के पास ही सबसे ज़्यादा मरीज और सुविधाएं हैं और हम और आगे बढ़ोतरी। हाल फिलहाल की घटनाओं का कोई जिक्र हुआ? हाल फिलहाल की नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। सर, एक अंतिम सवाल है, BHU के पास क्या पर्याप्त संसाधन है इस समय? वेंटिलेटर्स है, ऑक्सीजन सिलेंडर, सब कुछ पर्याप्त संसाधन है निपटने के लिए? हाँ, BHU के पास है, BHU के पास ही है और सभी संसाधन हैं। जितनी सुविधाएँ हमको देनी है उतने सभी संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं और अच्छी से अच्छी सुविधाएँ यहाँ पर BHU में ही उपलब्ध हैं। और ये दृष्टिगत भी है कि हम जितनी सुविधाएं हमने यहाँ दी हैं इस दौरान में इस शहर में और जैसा हम कहते हैं इस पूर्वांचल में, वैसी सुविधाओं की कहीं कहीं और से नहीं मिल पाई। डायलिसिस की सुविधा यहाँ, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की डायलिसिस की सुविधा यहाँ है, पीडियाट्रिक पेशेंट्स को यहाँ दे, तो ये एक ऐसी तरफ हम बढ़े हुए हैं और ऐसी सुविधाएँ हम दे रहे हैं कि जिनका प्रचार प्रसार लोगों को हो, जिनमें एक पॉजिटिव फीलिंग लोगों में होनी चाहिए कि ये सुविधाएं यहाँ पर सब मिलती रही उनको। तो कोविड वार्डों में कैमरा लगने की बात है, CCTV की बात है, जैसे शिकायतें आ रही हैं, क्या उस कदम वो लग गए हैं? और हमने पिछली बार भी मोदी जी ने कुछ ऐसा कहा था कि अगर हम यहाँ अखबार वगैरह की सुविधा दे सके, तो हमने मरीजों के लिए अखबारों की सुविधाएँ भी दे रखी हैं कि मरीज अपने वहाँ पर अखबार पढ़ें और उसी में रहें। कि जिस तरीके से दो हादसे हुए, नहीं, ये दुर्व्यवस्था किसी ने भी नहीं माना, योगी जी ने भी नहीं माना है इसको, उन्होंने भी कहा कि ये हादसे थे और ये सुसाइड, उन्होंने तो यही कहा कि ये आत्महत्याएं हो गई। तो हम लोगों को और सजग रहना होगा, पहले से मालूम करके, लोगों की मनोस्थिति को पहले से मालूम करके रखना होगा कि क्या इस तरह के कोई भाव विकार किसी में तो नहीं है। अगर इस तरह के हैं कुछ हम मालूम कर सकें, उसका उसी तरह का इलाज हम दे सकें, तो इस तरह की सभी चीज़ों को हम रोक पाएंगे।